Hello everyone, how are you all? I hope you all are healthy and fit in your home. तो previous video में हमने पढ़ा था human resource, human capital और investment के बारे में, और अगर आपने वो video नहीं देखा है तो उसका link description box और comment box में है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम इस video में दो stories के through समझेंगे कि कैसे इंसान या person ज़्यादा effort करके ज़्यादा प्रोडक्टिव रिसोर्स बन सकता है कंट्री के लिए। एंड एज यू नो कि हर एक वीडियो के आखिरी में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, सो बी रेडी फॉर दैट, ओके? तो शुरू करते हैं सकल और विलास की स्टोरी, जो कि फ्रेंड्स हैं और एक ही गांव में रहते हैं और उस गांव का नाम है सीमापुर। तो पहले हम बात करेंगे सकल की। ये है सकल जिसने चश्मा लगाया हुआ है, ये सकल है और ये है विलास। तो पहले हम बात करते हैं सकल की और सकल के बारे में जानते हैं। सकल जो कि 12 साल का लड़का है और उसकी जो मदर है शीला, वो घर के कामकाज देखती हैं। सकल के जो फादर है भूता चौधरी, वो खेतों में काम करते हैं। सकल अपनी मदर की घर में काम करने में या डोमेस्टिक कोरस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ जो सकल है वो अपने छोटे भाई जीतू और सिस्टर सीतू का बहुत ध्यान रखता है। और सकल के एक अंकल हैं जिनका नाम है श्याम, जिन्होंने 10th पास करी है और अभी भी वो घर में बैठे हैं जॉबलेस, कोई जॉब नहीं करते हैं। भूता और शीला दोनों ही चाहते हैं कि सकल को वो पढ़ाएं, एंड उन्होंने जो सकल है उसको फोर्स किया कि वो विलेज के ही गाँव में इनरोल हो जाए, एडमिशन ले। और उन्होंने सकल को गांव के विलेज, जो विलेज है, विलेज में जो स्कूल है उसमें उसको इनरोल कराया। सकल ने अपनी स्टडीज़ स्टार्ट करी और अपनी हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस उसने कंप्लीट किए। साथ ही साथ अब उसके फादर चाहते हैं कि सकल आगे अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखें, और उसके लिए सकल के जो फादर हैं उन्होंने लोन भी लिया सकल के लिए, और उन्होंने सकल को वोकेशनल कोर्स कराया कंप्यूटर्स में, टेक्निकल एजुकेशन दिलाई कंप्यूटर्स में। और सकल जो है वो काफ़ी इंटरेस्टेड था पढ़ने में, तो उसके फादर ने उसको आगे भी पढ़ाया, और काफ़ी लगन से, काफ़ी इंथुजियाज्म से जो सकल है उसने अपना कोर्स कंप्लीट किया। और कुछ टाइम बाद ही उसको एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिल गई, और वहाँ पर इवन उसने एक सॉफ्टवेयर, एक नए तरीका सॉफ्टवेयर उसने डिज़ाइन किया, और इस सॉफ्टवेयर से उसकी जो फर्म है, जो उसकी कंपनी है, उस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ और उस कंपनी की जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। तो इस चीज़ से खुश होकर जो सकल के जो बॉस हैं उन्होंने उसको रिवॉर्ड दिया, उसकी क्वालिटी को देखा, उसको रिवॉर्ड दिया, और एज अ रिवॉर्ड उन्होंने सकल को प्रमोशन दिया। ये तो थी सकल की स्टोरी। अब हम देखेंगे विलास की स्टोरी कि विलास क्या करता है, विलास ने पढ़ाई करी या नहीं करी, अब हम ये देखेंगे। तो विलास जो है, विलास 11 ईयर्स का है, 11 साल का बच्चा है, ये भी सेम विलेज में रहता है सीमापुर गांव में। अब जो विलास है, विलास के फादर महेश जो है वो एक फिशरमैन है, मछुआरे हैं, मछली पकड़ते हैं। तो उसके जो फादर हैं वो कुछ 2 साल पहले ही अभी एक्सपायर हुए, एंड उसकी जो मदर है गीता, वो मछलियों को बेचने का काम करती है, मछलियों को बेचती है, और बेचने के बाद जो भी अर्निंग होती है उस अर्निंग से अपनी फैमिली को वो फीड करती है, खाना खिलाती है, और साथ ही साथ जो मछलियाँ वो अपने लैंड ओनर के पॉन्ड से जो पकड़ के लेके आती है उसको मंडी में बेचती है, और उसको बेचने के बाद उन्हें रोज़ का कुछ 20 और 30 रुपीज़ उनको मिलता है उन मछलियों को बेचने के बाद। तो विलास जो है वो धीरे धीरे करके जो था वो पेशेंट हो गया अर्थराइटिस का, अर्थराइटिस यानी कि जोड़ों का दर्द। तो उसको जोड़ों का दर्द रहने लग गया, और उसकी जो मदर है वो इतना एफोर्ड नहीं कर पा रही थी कि वो उसको रोज़ उस डॉक्टर के पास लेके जाए, रोज़ उसका ट्रीटमेंट कराए, क्योंकि मछली बेचने से उसे रोज़ के सिर्फ 20 या 30 रुपए ही मिलते थे। तो और साथ ही साथ जो विलास है वो कभी स्कूल भी नहीं गया, और वो इंटरेस्टेड भी नहीं था पढ़ाई में, उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वो क्या करता था, वो अपनी मम्मी की हेल्प करता था कुकिंग करने में और अपने छोटे भाई मोहन को देखने में। कुछ टाइम बाद जो विलास की जो मदर है वो भी बीमार पड़ने लगी, और कोई उसके घर में नहीं था देखभाल करने के लिए, और किसी ने उसको सपोर्ट भी नहीं किया, और साथ ही साथ उसने बहुत टाइम से अपनी मम्मी को मछली बेचते हुए देखा था। तो विलास ने भी यही काम शुरू कर दिया, सेम विलेज में उसने मछलियाँ बेचना स्टार्ट कर दिया, और
मछली बेचने के बाद वो उतनी ही इनकम कर पाता था जितने कि वो अपनी अपने भाई को अपनी फैमिली को खिला सके। तो हमने दो केस स्टडीज़ यहाँ पर देखी, दो केस स्टडीज़ हमने पढ़ी। हमने देखा किस तरह से सकल के पेरेंट्स ने सकल को एक ह्यूमन रिसोर्स बनाया, सकल के ऊपर इन्वेस्ट किया, उसको एजुकेट कराया, उसे एजुकेशन दी, उसको ट्रेनिंग दी, उसको हेल्दी रखा। और दूसरी तरफ हमने जब विलास की स्टोरी देखी तो हमने देखा कि किस तरह से जो विलास है वो बीमार रहता है, उसको हमेशा अर्थराइटिस, उसको हमेशा जोड़ों का दर्द रहता है, वो पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, ना तो उसने कोई ट्रेनिंग ली। तो एक तरह से जो सकल था वो तो ह्यूमन रिसोर्स बन गया नेशन के लिए, इकोनॉमी के लिए, बट विलास जो है वो क्या हो गया, वो कोई ह्यूमन रिसोर्स नहीं बना। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ही देखा था कि एसेट और लायबिलिटी, तो यहाँ पर जो सकल है वो एक तरह से एसेट का काम कर रहा है और जो विलास है वो लायबिलिटी का काम कर रहा है। तो ये थी छोटी सी स्टोरी सकल और विलास की। तो हमने देखा किस तरह से एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर कितना इफ़ेक्ट करती है पर्सन को। तो अगर हम ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करेंगे थ्रू एजुकेशनल मेडिकल केयर, तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर जो हमें रिटर्न्स मिलने वाले हैं, फ्यूचर जो रिटर्न होगा वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सेम उसी तरह से जिस तरह हम लैंड और कैपिटल पे इन्वेस्ट करते हैं और जैसे टाइम बीतता चला जाता है लैंड की जो कीमत है, जो ज़मीन की कीमत है और मशीन की कीमत है वो बढ़ती चली जाती है, तो उसी तरह से अगर हम ह्यूमन बीइंग्स पे भी, अगर हम पीपल पे अगर हम इन्वेस्ट करें, उनको एजुकेशन दे, अच्छी मेडिकल केयर दे, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में वो हमारे लिए एज अ इन्वेस्टमेंट और एज अ रिटर्न, फ्यूचर रिटर्न, वो हमें हेल्प आउट करता है, वो हमारी इकोनॉमी को हेल्प आउट करता है। अभी हमने स्टोरी देखी विलास और सकल की, हमने देखा सकल किस तरह से इकोनॉमी को हेल्प कर रहा है, अच्छी जॉब भी उसको मिली है, अच्छे जॉब से उसको पैसे मिलते हैं, वो डे टू डे लाइफ जितनी भी उसकी चॉइसेस होती हैं उसे वो कंप्लीट करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो विलास है वो हर एक रोज़ के लिए उसको सोचना पड़ता है कि वो पैसे कहाँ से लेकर आए, कैसे वो मछलियों को बेचें, ये सब चीज़ें उसको सोचनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम अगर हम शेयर्स में और बॉन्ड्स में अगर हम स्पेंड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इन फ्यूचर वहाँ से भी हमें हायर रिटर्न्स मिलेंगे। तो जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो भी एक तरह से क्या है, उसमें भी हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जो बच्चे हैं हमें उनमें भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, एक अच्छी एजुकेशन देकर और उनको हेल्दी रख करके, जिससे कि वो हमें आने वाले फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स दें। द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग एंड ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। नाउ अब होता क्या है, टू वर्ड्स आर हेयर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एंड दैट फर्स्ट वर्ड इज वर्चुअस साइकिल एंड वीशियस साइकिल। तो हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें करनी चाहिए और उस इन्वेस्टमेंट से कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमें रिटर्न्स भी मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे दो वर्ड्स के बारे में जो कि है वर्चुअस और विशियस साइकिल। तो पहले हम देखते हैं कि वर्चुअस साइकिल क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वर्चुअस साइकिल हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे। तो अगर एजुकेटेड पेरेंट है तो वो क्या करेगा, एजुकेटेड पेरेंट अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करेगा, उसको एजुकेशन देगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन की, क्योंकि वो खुद एजुकेटेड है, खुद पढ़ा लिखा है, तो वो चाहेगा कि जो उसके बच्चे हैं वो भी पढ़े लिखे हों, और साथ ही साथ वो ये भी ध्यान रखेगा कि उनकी अच्छी हेल्थ हो, उसकी हाइजीन के बारे में भी काफ़ी ध्यान रखेगा। तो अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। तो अगर सिंपल सी लैंग्वेज में हम कहें तो जो एक एजुकेटेड पर्सन है वो पूरी कोशिश करता है कि वो अपने बच्चे को भी एजुकेशन दे, एक अच्छी हेल्थ दे, जिससे कि वो फ्यूचर में जो है उनको रिटर्न दे सके या फिर इकोनॉमी को हेल्प आउट कर सके, वो एक तरह से देश के लिए एसेट बने, ना कि लायबिलिटी। तो वर्चुअल साइकिल में होता क्या है, जब कोई पर्सन एजुकेटेड होगा, जब कोई पर्सन अच्छा पढ़ा लिखा होगा, तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं वो हमारी इकोनॉमी को हेल्प आउट करेगा। तो हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, फिर वो इंटरडिपेंडेंस होगा, ठीक है। देन अगर कहीं वो जॉब कर रहा है तो उसे अच्छे इंसेंटिव्स मिलेंगे और उस इंसेंटिव से उसे पीस और हारमोनी मिलेगी, और कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो
कम होगा उसके लिए। अगर पढ़ा लिखा है तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा उसको मिलेगा, और अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो कहीं ना कहीं उसे सोचना पड़ेगा कि क्या ये जॉब मेरे लिए है या नहीं है। तो वर्चुअल साइकिल यानी कि एक वो साइकिल जिसमें कि एजुकेटेड पेरेंट है वो अपने बच्चों को एजुकेट करता है, उसके बाद उस बच्चे की जो जनरेशन आने वाली है वो उसको एजुकेट करता है, और ऐसे ही करके ये साइकिल चलती रहती है और ये अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से स्पेंड करते हैं। सेकेंड साइकिल हमारे पास है विशियस साइकिल। अब विशियस साइकिल क्या होती है? अगर हमने स्टोरी देखी, हमने स्टोरी पढ़ी विलास की, हमने वहाँ देखा कि उसके पेरेंट एजुकेटेड नहीं थे। अब उसके पेरेंट एजुकेटेड नहीं थे तो उनको वैल्यू नहीं पता एजुकेशन की, उन्होंने विलास को भी एजुकेशन नहीं दी, और विलास को एजुकेशन ना देने की वजह से क्या हुआ, ना तो एजुकेशन दी और ना ही उसकी हेल्थ का ध्यान रखा। तो जो विलास था वो कहीं ना कहीं अर्थराइटिस का पेशेंट भी बन गया और साथ ही साथ उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रही। तो विशियस साइकिल क्या होती है? जहाँ पर जो पेरेंट है वो एजुकेटेड नहीं है, पेरेंट एजुकेटेड नहीं है और साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, अपने बच्चे को भी एजुकेशन नहीं दे रहा है, ना ही उसकी हेल्थ का ध्यान रख रहा है। और होगा क्या, नेक्स्ट टाइम जो बच्चे हैं उसकी जो जनरेशन होगी शायद वो उसको ना पढ़ाए, क्योंकि उनको वैल्यू नहीं पता एजुकेशन की, एजुकेशन की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि नहीं, अब तो सब पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस अभी भी एजुकेशन को नहीं देती हैं। तो जब किसी के पास एजुकेशन नहीं होगी तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होगा, उसके लिए जॉब्स नहीं होगी, साथ ही साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वहाँ पे भी उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं है। जब उसे कुछ आएगा नहीं तो वो किस तरह से इकोनॉमी को हेल्प आउट करेगा। देन इंटरडिपेंडेंस, यानी कि अब क्या है, इसको दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ेगा कि कोई उसे कमा के खिलाए या फिर कोई उसको बताए, ये सब चीज़ें। और इंसेंटिव्स, यानी कि जब जॉब ही अच्छी नहीं होगी तो इंसेंटिव कहाँ अच्छा होगा, और जब इंसेंटिव अच्छा नहीं होगा तो पीस और हारमोनी भी नहीं होगी, रोज़ लड़ाई झगड़े होंगे और कहीं ना कहीं शांति नहीं रहेगी। तो वर्चुअल साइकिल यानी कि एजुकेटेड पर्सन जो कि अपने बच्चों को पढ़ाता है और उसकी एजुकेशन और हेल्थ के बारे में ध्यान रखता है, और दूसरी तरफ विशियस साइकिल जहाँ पर पेरेंट जो है वो अनएजुकेटेड है और वो चाहता भी नहीं कि उसका बच्चा जो है वो एजुकेशन गेन करे। तो ये दो सिचुएशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, तो इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ज़रूर ध्यान से याद कर लेना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट अगर हम इसको कनेक्ट करें, ह्यूमन रिसोर्स को अगर हम कनेक्ट करें, तो देर इज़ अ वन एग्जाम्पल इन योर बुक एंड दैट वन इज़ द एग्जाम्पल फ्रॉम जापान। जापान का एक एग्जाम्पल है। नाउ कंट्री लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स। अब जो जापान जो कंट्री है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितना भी रिसोर्स था, जितनी भी एजुकेशन थी, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया है। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है। अब उनके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं तो वो क्या कर रहे हैं, वो ह्यूमंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ह्यूमन में इन्वेस्ट करके ह्यूमन को रिसोर्स बना रहे हैं। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। तो अब इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से जापान जो है वो ह्यूमन रिसोर्स बना रही है, एजुकेशन को और हेल्थ को उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, और जिस वजह से किसी भी रिसोर्स को एक अच्छा बनाने के लिए ह्यूमन की ज़रूरत होती है, कि उसको बेनिफिट या उसको बेनिफिशियल बनाने के लिए ह्यूमन की ज़रूरत होती है, और जापान यहाँ पर वही काम कर रहा है। तो जो जापान है वो ह्यूमन रिसोर्स में बहुत इन्वेस्ट करता है, ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। सो दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्स लाइक लैंड एंड कैपिटल। तो इनके पास जो भी लैंड है, जो भी कैपिटल है, ये ह्यूमन, ये जो पर्सन है वो उसका यूज़ कर रहे हैं, लैंड को किस तरह से, किस वे में और अच्छा यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इन चीज़ों में वो सोचते हैं, और इन चीज़ में वो जो ह्यूमंस है, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इन चीज़ को सोचकर अच्छा बेनिफिशियल रिजल्ट क्रिएट करता है। तो जापान की स्टोरी और विलास और सकल की स्टोरी से हमें इतना पता चल गया कि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्ट करने से देश जो है वो डेवलप भी होता है और साथ ही साथ रिच भी बनता है। योर क्वेश्चन टाइम, व्हाई जापान इज वेल डेवलप्ड, एंड यू नो यू हैव टू गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। ये था आज का लेसन। मैं हूँ आपकी दोस्त केशव कुशवाहा, और आप देख रहे थे एडिफिकेशन इम्प्रूवमेंट ऑफ समवन। इफ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फर्गेट टू हिट बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक गुड केयर ऑफ योर्स। बाय बाय।